दोस्तों सामने आपके है ये हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस, और गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस की अगर बात करते हैं तो ये आपको 7,93,000 में मिल जाएगी एक्स शोरूम में। और गाड़ी का वेरिएंट अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स वेरिएंट है सीएनजी का। तो गाड़ी में हम लोग एक्सटीरियर प्रोफाइल देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीरियर प्रोफाइल क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग फ्रंट लुक देख सकते हैं गाड़ी का, तो बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाता है। और सीएनजी वेरिएंट है तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसकी जो कंपनी क्लेम करती है वो आपको माइलेज मिल जाता है, इसमें 24 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाता है, कंपनी की तरफ से क्लेम किया जाता है। और इसमें जो आपका इंजन है वो आपको 1200 सीसी का इंजन गाड़ी में मिल जाएगा। तो गाड़ी का लुक देख सकते हैं, डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा आ जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फ्रंट की, तो यहाँ पे बोनेट का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, ये आपको कर्व मिल जाते हैं बोनेट में। और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये आपको हेलोजन में हेडलैम्प्स, यहाँ पे मिलता है टर्न इंडिकेटर गाड़ी में। और ये साइड में देख सकते हैं तो इसमें आपको फॉग लैम्प भी मिलता है इस वेरिएंट में। और यहाँ पे DRL आप लोग देख सकते हैं, तो ये आता है DRL का लुक बोथ साइड में मिलेगा। और फ्रंट का ग्रिल का डिज़ाइन है ये आपको मिल जाता है यहाँ पे सिल्वर फिनिश में, तो ये पूरा आता है सिल्वर फिनिश का वर्क। और ये आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो साइड में भी आपको ये भी आपको सिल्वर फिनिश का वर्क मिलता है, इसमें क्रोम का वर्क इसमें ग्रिल में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे फ्रंट में आप देख सकते हैं तो हुंडई का क्रोम फिनिश में लोगो आपको मिल जाता है। तो ये आता पूरा लुक। और ग्राउंड क्लीयरेंस की अगर हम लोग बात करें तो 165 mm का आपको ग्राउंड क्लीयरेंस में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस हैचबैक कार में आपका ग्राउंड क्लीयरेंस जो है वो बहुत ही अच्छा आपको मिलता है। यहाँ से अभी हम लोग देखेंगे साइड प्रोफाइल, तो ये आती है गाड़ी की साइड प्रोफाइल इस तरीके की मिल जाती है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो वाइट कलर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्रंट का व्हील साइज, तो इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं, यहाँ पे हुंडई का लोगो मिलेगा। और व्हील साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हील साइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 14 inches का आपको अलॉय व्हील यहाँ पे आपको मिल जाता है। और जो यहाँ पे ORVM है ये आपको बॉडी कलर में मिलता है विद टर्न इंडिकेटर, इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये आएगा पूरा लुक। और यहाँ पे देख सकते हैं तो साइड में यहाँ पे आपको कर्व मिल जाता है, तो ये लुक आपको देखने में अच्छा लगता है। और यहाँ से आपको की में भी आपको एंट्री मिल जाती है, की से यहाँ पे अपर में देख सकते हैं। तो रूफ रेल्स का लुक है ये आपको ब्लैक में मिलता है, जो कि स्पोर्टी लुक देता है। और यहाँ पे बैक प्रोफाइल आपको दिखाते हैं एक बार, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये आ जाएगा आपका रियर प्रोफाइल इस तरीके का। और यहाँ पे मिलता है आपको टेल लैम्प, तो ये टेल लैम्प का लुक मिलता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग की लाइट मिल जाती है। बैक का प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोम फिनिश में हुंडई का लोगो मिलेगा। और यहाँ पर बैक में देख सकते हैं ये आपको मिलता है यहाँ पे कैमरा, और यहाँ पे नियोस की बैजिंग आपको मिल जाती है, ये ब्लू कलर का लुक अच्छा देता है इसमें। और बैक में यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा ग्रैंड आई10 का बैजिंग यहाँ पे क्रोम फिनिश में। और बैक में यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिफॉगर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे सीएनजी का स्टिकर मिलता है, और ये आपको मिल जाती है यहाँ पे स्टॉप लाइट। और इस जगह देख सकते हैं सार्फिन में एंटीना मिलता है, अपर व्यू आप लोग देख सकते हैं, तो स्पोर्टी लुक इसमें दिया जाता है गाड़ी में, तो ये पूरा आ जाएगा। और बैक में आपके दो सेंसर मिल जाते हैं गाड़ी में, तो ये मिलता है। और बम्पर का लुक देख सकते हैं तो ब्लैक कलर का आपको मिलता है, यहाँ पर ब्लैक कलर का आएगा पूरा लुक। और रिफ्लेक्टर सब लोग देख सकते हैं, तो ये आता है पूरा रिफ्लेक्टर का लुक, बोथ साइड में ये चीज़ देखने मिलती है। और यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 37 liter फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगी, ये सर्कल शेप में डिज़ाइन आपको मिलता है। और यहाँ पे बैक में देख सकते हैं तो इससे आपको ग्रैंड आई10 की बैजिंग यहाँ पे मिलती है पियानो ब्लैक में, ये आता है स्पोर्टी लुक। और चलते हम लोग गाड़ी के अंदर और इंटीरियर का लुक देखेंगे, तो वहाँ पर इंटीरियर में क्या चीज़ देखते हुए मिलती है वो हम लोग देखेंगे, क्या फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ से डोर हैंडल को अभी हम लोग ओपन करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका डोर का लुक पूरा, तो ये आपको ग्रे फिनिश का मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पीच कलर का वर्क मिलता है, और यहाँ पे अनलॉक का बटन आपको सिल्वर फिनिश में आपको मिल जाएगा। और ये आपको चारों पावर विंडोज़ इसमें मिल जाती हैं, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से मिरर लॉक मिल जाएगा, ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन मिलता है, और यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक की बटन मिल जाती है। और ये देख सकते हैं तो ORVM ऑटो फोल्ड का बटन भी आपको इसमें मिलता है, तो ये बटन प्रेस करेंगे तो आपके ORVM फोल्ड हो जाएंगे, और बटन प्रेस करते ही आपके ORVM ओपन हो जाएंगे। ओपनिंग का ऑटोमेटिक वाला फीचर आने लगा है सभी में। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में स्पीकर, इस जगह आपको वाटर स्टोरेज मिलता है, तो ये पूरा लुक आता है। और इंटीरियर का लुक आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का, तो ये मिलता है पूरा इंटीरियर का प्यारा सा लुक। और यहाँ पे सीट की बात करते हैं तो सीट्स आपको मिल जाती हैं यहाँ पे सॉफ्ट टच में, ये आपको थोड़ा सा हार्ड टच में मिलेगा थाई रेस्ट के लिए। और यहाँ पे दो बटन आपको मिल जाती हैं देखिए, तो इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट और इंक्लाइनेशन दोनों चीज़ आपको मिलेगी। और अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी में बैठ कर देखते हैं क्या लुक आता है पूरा, वो हम लोग चेक करेंगे। तो ये अभी हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और सीट को अभी पीछे करेंगे इस तरीके का।
और ये मिलता है पूरा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयरिंग का लुक इस तरीके का, ग्रे फिनिश में, क्रोम फिनिश में हुंडई का लोगो मिलता है और यहाँ पे सिल्वर फिनिश आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको बटन्स वॉल्यूम कंट्रोल के मिल जाएंगे, यहाँ से कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट मिल जाता है और ये आपको मिल जाता है पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आरपीएम लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 220 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड मिल जाती है और यहाँ पे आपको मिड में मिलती है एमआईडी, जिसमें आपके फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, डिस्टेंस किलोमीटर, सारी आपको डिटेल्स इसमें मिल जाएगी। और यहाँ पे 8 इंच का देख सकते हैं आपको टच स्क्रीन इसमें दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे फीचर के साथ में आता है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले ये फीचर भी आपको इसमें मिल जाते हैं और ये सारा मिल जाता है। और यहाँ पे DRVM फीचर भी आपको मिलता है, रेडियो मीडिया के बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे ये सारे ट्रैक कंट्रोल्स के बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और 2 AC के वेंट्स ये आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे इस तरीके का वर मिल जाता है फिनिशिंग में। और यहाँ पे AC का जो कंट्रोल है ये आपको मिल जाते हैं लेफ्ट साइड, यहाँ पे ब्लोअर AC ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको AC फैन कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे सारी बटन्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको देखिए मोबाइल का स्टोरेज मिल जाएगा, यहाँ पे ग्लव बॉक्स जो है आपको काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स इसमें देखने को मिलता है। और इसके जो AC के वेंट्स हैं उसका लुक देख सकते हैं, ये आपको मिल जाता है ब्लैक कलर में, यहाँ पे सिल्वर फिनिश आपको मिलता है, ये भी आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश का वर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस जगह आप लोग देख सकते हैं CNG पेट्रोल का जो ऑप्शन है वो मिलता है। और कीज आप लोग गाड़ी की देख सकते हैं, एक आपको पावर की मिलेगी, एक आपको मैनुअली की मिल जाती है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको स्टोरेज मिल जाता है गाड़ी में इस जगह, यहाँ पे USB पॉइंट मिलेगा एक, और राइट साइड में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, ये चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे 5 गियर बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये सिल्वर फिनिश है, ये आपको यहाँ पे भी देखिए एक ये क्रोम फिनिश जैसा वर्क दिया जाता है, तो ये लुक अच्छा देता है इसको गियर बॉक्स को। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है ब्लैक बटन के साथ में, 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे मिलते हैं। गाड़ी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ग्रे का कलर का वर्क किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ब्लैक कलर थोड़ा सा चुभता है, लेकिन ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे ग्रे फिनिश का वर्क है, इस जगह भी आप स्टोरेज है, तो ये साइड वाले डोर का लुक आप लोग देख सकते हैं ये मिलता है। और अपर में आपको सनवाइजर विद टिकट होल्डर मिलेगा, यहाँ पे माइक्रोफोन का कंट्रोल मिलता है और इस जगह आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये आपको मिल जाएगा वेंटी मिरर के साथ में एक ये सनवाइजर। यहाँ पे फिक्स्ड में ग्रैब हैंडल मिलता है लेफ्ट साइड में और यहाँ पे IRVM मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाएगा, इस तरीके का पूरा लुक आता है। और यहाँ पे देखिए टिल्ट स्टेयरिंग का भी कॉलम आपको मिल जाता है, तो इससे आप लोग स्टेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, तो ये सारे फीचर इसमें मिल जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरा लुक आता है। चलते हैं गाड़ी के बैक वाली सीट में और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपको ग्रे फिनिश का वर्क शाइनिंग में ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है बोथ साइड में। चलते हैं गाड़ी के बैक वाली सीट में और चलते हैं गाड़ी के बैक वाली सीट में, स्पेस चेक करते हैं कितना स्पेस मिलता है। तो बैक वाले डोर को ओपन करेंगे और बैक वाले डोर का लुक आप लोग देख सकते हैं, तो ये मिल जाता है ग्रे और पीच कलर का वर्क आपको मिलेगा, ये आपको ग्रे कलर मिलता है और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलेगा ब्लैक कलर का, यहाँ से आपको सिल्वर फिनिश में अनलॉक की बटन मिल जाती है और ये आपको स्पीकर यहाँ पर मिल जाएगा एक, यहाँ पर बॉटल स्टोरेज मिलती है और ये आता है पूरा इंटीरियर का लुक। तो स्पेस आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेस इसमें आपको मिलता है। और यहाँ पर सीट्स हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सीट्स जो हैं आपकी ये यहाँ पे सॉफ्ट टच में मिल जाती हैं बैक में, और ये यहाँ पे फिक्स्ड में आपको हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और बैठ के देखते हैं हम लोग स्पेस चेक करते हैं कितना स्पेस मिल जाता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में इतना ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है, बहुत ही स्पेस इसमें है गाड़ी में, बहुत ज़्यादा है। और जो यहाँ पर बैठने की कम्फर्टनेस है आप लोग देख सकते हैं, तो कितनी कम्फर्टफुली मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, काफ़ी आराम इसमें मिलता है आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बैक में जो है ये आपको यहाँ पे 2 AC के वेंट्स मिल जाते हैं इस तरीके के, और इस जगह आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, चार्जिंग पॉइंट, ये पूरा लुक आता है। और ये देख पा रहे होंगे तो ये आता है लुक। और पार्सल ट्रे आप लोग देख सकते हैं ये आपको मिल जाते हैं यहाँ पे पार्सल ट्रे, ये फिक्स्ड में ग्रैब हैंडल मिल जाएगा और राइट साइड में आपको फिक्स्ड में ग्रैब हैंडल मिल जाता है, तो ये पूरा लुक मिलता है। और चेक करते हैं हम लोग बूट स्पेस, तो CNG टैंक के बाद में बूट स्पेस कितना मिलता है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से अब हम लोग बूट को ओपन करेंगे और ये आता है पूरा बूट का लुक, आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके का आएगा। और यहाँ पर आपको मिलती है पार्सल ट्रे, ये इसमें स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको CNG टैंक मिल जाता है, तो स्टोरेज यहाँ पे छोटे बैग आप लोग कैरी कर सकते हैं, पिट्ठू बैग जिसे कहते हैं वो कैरी कर सकते हैं, बाकी ट्रॉली बैग के लिए आपको जगह इसमें देखने को नहीं मिलती है। और ये आता पूरा लुक, इसको अभी हम लोग क्लोज करते हैं और गाड़ी को एक बार एक्सटीरियर प्रोफाइल देख लीजिए, तो ये आता है पूरा एक्सटीरियर प्रोफाइल। और गाड़ी देखने के लिए अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो खन्ना हुंडई अकबरपुर आकर विजिट कर सकते हैं, और अगर इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनके कांटेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनसे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी कार के वीडियोज़ जो हैं आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो और हर कार के